balance electron of p block elements. जैसे बोरॉन लास्ट में p है तो p ब्लॉक है, p में वन होता है तो ग्रुप कितना हुआ 13। इसी प्रकार ये सारा p ब्लॉक है जो कि सबके लास्ट में गया p, ये वन वन जो हुआ ये ऑर्बिट है और ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 2, ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ ऊपर 2 एक 3, ये 3 हुआ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे में 2, 2 4, पहले में 2, दूसरे में 2, 3 5, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 6, पहले में 2, दूसरे में 7, 2 और 8, मतलब इसके वैलेंस शेल में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो सबसे बड़ा वाला ऑर्बिट है, जैसे इसमें सबसे बड़ा ऑर्बिट कौन है सेकंड, किसी में थर्ड होगा किसी में फोर्थ होगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर पावर वही क्या कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पी ब्लॉक का कितना होगा 3 से लेकर 8 तक, मतलब ग्रुप नंबर यदि 13 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 का 4, 15 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये पूछता है ये सब, आगे भी टॉप चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो ये सब का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ऐसी प्रकार मान लीजिए कोई आपको दिया जाए कि क्लोरीन का 17 है, बताइए क्या होगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। पहले ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 2, 8, ये थर्ड है, थर्ड में कितना होगा 7, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, ये भी पी ब्लॉक है। मान लीजिए आपको सल्फर दे दिया जाए, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी फोर, सल्फर का हो गया 16 का, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। मान लीजिए फॉस्फोरस, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी थ्री, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5, ऊपर पावर जोड़ना है, तीसरे में ऊपर पावर 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 5। इसी प्रकार आप निकालने का कोशिश कीजिएगा ब्रोमीन 35, आर्सेनिक 33, सिलिकॉन 14, एल्युमिनियम 13। इसके बाद आप निकाल लीजिएगा आर्गन 18। ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये होमवर्क हुआ, और भी एलिमेंट का निकालने का कोशिश कीजिएगा।